जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको कान्हा जी की ड्रेस बताएंगे, कैसे बनानी है पूसा। देखिए, मैंने नेट का कपड़ा लिया है, तो मैं इसको कम से कम, मैंने लंबाई इसकी 26 इंच चाहिए। इसकी लंबाई लेनी है आपके हिसाब से, ज़्यादा घेर चाहिए तो आप ज़्यादा ले लो, कम चाहिए तो कम ले लो। मैं इसकी 26 इंच तक करूँगी, यहाँ तक। और इसकी चौड़ाई लेनी है मैंने 3-3.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा को काट दूँगी। और ये मैं इसमें नीचे ये फर्सी पोशाक बनेगी, ये दोनों को मैं फिर हम इसमें ऐसे चुन्ने डाल के, और मैं इसको आपको सील के दिखाते, दोनों चीज़ को एक साथ काट के, इनको दोनों को एक साथ है, और फिर हम ऐसे चुन्ने डाल लेंगे इनको, ऐसे चुन्ने डाल के, और आगे मैं दिखाती हूँ। मैंने चुन्ने डाल दी है और वो सिलाई कर दी है। ये मैंने चोली ली है इसकी 4 इंच की, मेरा कान्हा जी 4 नंबर का है, तो 4.5 इंच इसकी लंबाई है और 8 इंच इसकी चौड़ाई है, 4 आगे थे 4 पीछे ऐसे। ये मैंने इसको, और यहाँ से मैंने ऐसे पाइपिंग लगा के ये बना दी। देखिए कितनी सुंदर और कितनी प्यारी सी कान्हा जी की ड्रेस बनी है। और मैंने इसी का मैचिंग का इसका मुकुट बनाया है, ये वाला, ये देखो, ये इसका मुकुट मैचिंग नेट का कपड़ा से। ये मैंने तांबा का तार लिया है, इसको यहाँ एक छोटा मोती डाला, फिर बड़ा मोती, फिर छोटा मोती, फिर ये मैंने छोटा मोती डाल दिया। अभी हम इसको पहना के दिखाएंगे कान्हा जी को। ये मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, तो कैसे लगे आपको ये ड्रेस, ये मोती, मैं अभी पहना के दिखाती हूँ हमारा कान्हा जी को। ये देखो हमारे कान्हा जी की चोली कितनी सुंदर है। और ये इसका कान का है, तो अभी इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे। हमारा गोविंद को कान्हा जी का मैंने रिंग बना दिया है। कान्हा जी का देखो कुंडल कितना सुंदर बना है, ये मैंने मैचिंग कर दिया है इसका। और ये कान्हा जी का हार भी ऐसे पिंक कलर का है, ये हमने अपना कान्हा जी को हाथ पहना दिया। ये मेरा देखो कान्हा जी की पगड़ी, मुकुट बोलो, पगड़ी बोलो, देखो पगड़ी बोलो। इतना सुंदर हमारा गोपाल लगे है। ये मैंने मेरा कान्हा जी का चारपाई, बेड, गद्दा सब एक सा मैचिंग बना रखे है मैंने। तो ये हमारा कान्हा जी का गद्दा भी है और बेड भी है, देख हमारा कान्हा जी की पोशाक, आज की पोशाक है। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।